तो दोस्तों आज हम फटाफट करेंगे एक लॉन्ग लास्टिंग नॉर्मल मेकअप, बेसिक मेकअप विद परफेक्ट बेस। तो आपको मैंने दिखाया मेरे फेस पे कुछ ब्लेमिशेस भी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेकअप फिक्सर लगाएंगे, और इससे क्या होता है आपकी जो स्किन होती है ना वो हाइड्रेट हो जाती है। तो स्किन को हाइड्रेट करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे मिनिमिस्ट का सनस्क्रीन। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, सीरम्स वगैरह सब इंक्लूड हो रखे हैं। तो ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। इस वीडियो में जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देखिए सनस्क्रीन लगाते ही पूरी स्किन जो है कितनी फ्लॉलेस लग रही है, और एक प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है इसमें चमक सी। और यहाँ पर मैं खादी हर्बल का लिप बाम लगाऊँगी, क्योंकि जब हम मेकअप करेंगे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो अब हमारा स्किन रेडी है फाउंडेशन के लिए, कंसीलर के लिए, प्राइमर के लिए। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगा रहे हैं। यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, बहुत इकोनॉमिकल रेंज के प्रोडक्ट्स में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो प्राइमर क्या होता है, हमारे पोर्स को ना क्लोज कर देता है, तो स्किन के अंदर हमारा मेकअप नहीं जाता है, स्किन ख़राब नहीं होती है, और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। यहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है, ये इनसाइड का कंसीलर है, बहुत अच्छा कवरेज है इसका। तो कंसीलर मैं वहीं यूज़ करूँगी जहाँ पे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। और ब्लेंडर से इसको ड्राई डैब डैब करके पूरे मर्ज कर लेंगे। इसको फैलाना नहीं है, जहाँ पे आपने कंसीलर यूज़ किया है वहीं पर डैब डैब करके बस उसी पोर्शन में आपने इसको अच्छे से लगा देना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्लेमिशेस दिखाए थे, जो कि अब हाइड हो चुके हैं काफ़ी तरह से, काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पे मैं मैबलिन फिट मी का फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। फाउंडेशन भी हम ज़्यादा एक्सेस में यूज़ नहीं करेंगे, जितनी हमारी स्किन को रिक्वायरमेंट है हम उतना ही फाउंडेशन लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लगाने से ना केकीनेस आ जाती है चेहरे पर। और ये हम एक बेसिक नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं, कहीं हमने पार्टी वार्टी का मेकअप नहीं है, नॉर्मल मेकअप है। तो जैसे घर में कुछ अगर कोई पूजा वगैरह है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए फाउंडेशन लगाते ही जो कंसीलर का बेस था कितना अच्छे से उभर के आया है, और जितने भी मेरे फेस पे ब्लेमिशेस थे, पिगमेंटेशंस थे, वो सारे हाइड हो चुके हैं, और स्किन कितनी अनइवन से इवन हो गई है, पूरे डार्क स्पॉट्स जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। तो और जब मेकअप लगाएं तो बेसिक रूल है अपने ईयर्स को और नेक वाले एरिया को नहीं भूलना होता है, नहीं तो वो अलग अलग दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे रूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, ये आपके मेकअप को सेट कर देता है। हमारा बेस काफ़ी अच्छे से लग गया है, सारे हमारे जो फेस में स्पॉट्स थे वो हाइड हो चुके हैं। अच्छे से हम लूज़ पाउडर को लगा लेंगे ताकि जो हमारा मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब आपको मेरा फेस थोड़ा फ्लैट दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, कुछ शिमरी शेड्स हैं, कुछ मैट शेड हैं। तो मैट शेड की हेल्प से मैं लाइट ब्राउन शेड मैंने लिया है, और स्किन को एक कट मिल जाएगा। ये देखिए कॉन्टोर काफ़ी अच्छे से हो जाता है, जो पहले मेरा फेस फ्लैट दिख रहा था मेकअप करने के बाद, अब वो उसमें कॉन्टोरिंग के बाद थोड़ा सा वो अच्छा दिख रहा है, उसमें कट्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए शेप आ गई है बेसिकली। अब इसी हम पैलेट को यूज़ करेंगे, और इसमें मैं स्लैंट एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज़ के लिए, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे दो शेड मिक्स कर रही हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन। उन दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे आईब्रोज़ की शेप बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखिए दोनों आईब्रोज़ में फ़र्क दिखाई दे रहा होगा आपको। पेंसिल से बेटर रहेगा ब्रश से आप अपनी आईब्रोज़ को बनाएं, क्योंकि पेंसिल से ना अनइवन सा दिख जाता है, और अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से इवनली आईब्रोज़ आपकी सेट हो जाती हैं। ये देखिए मैं आप उसी आई शेडो पैलेट की मदद से मैं हाईलाइटर ले रही हूँ, उसमें एक शेड है वाइट कलर का, तो उससे मैंने नोज़ को थोड़ा हाईलाइट कर लिया है। और स्विस ब्यूटी का यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, शिमर ब्लशर है ये, बहुत लाइट शिमर्स हैं, ज़्यादा चमकीला भड़केला सा नहीं है। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई छोटी सी पूजा है तो उसमें आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं। और दोबारा से हल्का सा इसको ब्लशर के ऊपर हाईलाइटर लगा लेते हैं, और जो हमारे प्रॉम्प्ट एरियाज़ होते हैं ना मैं बस वहीं पर लगा रही हूँ, बट ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ये नॉर्मल मेकअप है, कोई पार्टी मेकअप नहीं है। और उसके ऊपर फिर से हम जो बचा हुआ पाउडर था हमारा लूज़ पाउडर वो हम लगा लेंगे। तो पूरा मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन है, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आई मेकअप भी करने वाले हैं। तो देखिए हमारा फेस रेडी हो चुका है, अब हम यहाँ पे काजल अप्लाई कर लेते हैं। काजल मैं यहाँ पे एलिटिन का काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग काजल है, और जिसकी जिन लोगों की आईज़ थोड़ा वाटरी होती हैं या सेंसिटिव होती हैं, उनमें पानी आता है बार बार और काजल निकल जाता है, एलिटिन का ऐसा नहीं है, ये वाटरप्रूफ काजल है। बहुत अच्छे से मैंने इसको हल्का सा विंग भी दे दिया है, और जो ब्लशर मैंने यूज़ किया था उसको भी मैं फ्लैट ब्रश की मदद से हल्का सा आई शेडो में अप्लाई कर रही हूँ, एज अ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ आईज़ के ऊपर। बहुत डिसेंट और बहुत प्यारा सा मेकअप हो गया है। और यहाँ पे मस्कारा लगा लेते हैं, मैबलिन का ही कॉलोसल मस्कारा है, इसको बहुत ये इतना बढ़िया मस्कारा ना बता नहीं सकती, आप इसको यूज़ कीजिएगा। देखिए हल्का सा यहाँ पे लग गया है, तो आपने क्या करना है, कॉर्नर मैंने टावल का कॉर्नर लिया है और उसकी मदद से मैंने टैप टैप करके उसको निकाल लिया। तो ये देखिए इससे क्या होता है, आई लैशेज ना बहुत हैवी लगती हैं,
तो आपको एक्स्ट्रा फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो देखिए कितने अच्छे से ये आईब्रोज़ और मेरी आईज़ का मेकअप हो चुका है। अब हम लगा लेते हैं लिपस्टिक। यहाँ पे मैं दो शेड मिक्स करूँगी, पिंक एंड ब्राउन, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो कुछ रस्ट कलर का है। तो पहले हम लिप लाइनर लगा लेंगे, स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर पेंसिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही बेसिक और इकोनॉमिकल रेंज के प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं। मैबलिन की लिपस्टिक है ये, और पहले हमने हल्का सा लिप लाइनर लगाया, फिर ये लिपस्टिक लगाई और इसी के ऊपर मैं ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी, तो ये रस्ट कलर निकल के आ जाएगा। पिंक और ब्राउन को मिक्स करेंगे तो जो रस्ट कलर होता है ना, प्याजी वाला कलर, वो निकल के आता है। लास्ट में हम मिक्सर मेकअप फिक्सर फिर से लगाएंगे, हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी मस्कारा लगाया है, वो मर्ज हो सकता है, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की बैक साइड में इसको स्प्रे करके दोबारा से हल्का सा टैप टैप करके अपनी स्किन पर इसको लगा रही हूँ, क्योंकि जितना भी हमने मेकअप किया है वो सेट हो जाए। और ये 8-9 घंटे तक, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसको मोस्टली यूज़ करती हूँ इस तरह के मेकअप को। और लास्ट में फिर से एक बार ब्लशर का थोड़ा सा टचअप दे देते हैं, और ये मेरा फाइनल लुक है। देखिए बिल्कुल हाइड हो गया, एक सिंगल स्पॉट आपको नहीं दिखाई देगा फेस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और नॉर्मल मेकअप था गाइज, ये आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का जो बाय लिंक है मैं शेयर कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना।